जय भीम। नमो बुद्धाय साथियों, मैं सुदेश कुमार आर्या आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। दोस्तों, देश में नई सरकार का गठन हो गया है और जहां तक इस देश में जो गठन हुआ, सरकार में जो लोगों ने जनमंत्र दिया है और अपना मतदान दिया है, उसमें बड़ी भागीदारी पिछड़े समाज की रही है। पर मैं जब देख रहा था देश में, जब नई सरकार पार्ट टू का गठन हो रहा था, तो सरकार ने जिन लोगों की भागीदारी ज़्यादा है वोट के माध्यम से, उन लोगों की भागीदारी सत्ता में नहीं है। बहुत सारे पिछड़े समाज के लोग, जो दलित समाज के लोग, जिनको मंत्रिमंडल में विशिष्ट जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं। आज भी आपके समाज के चंद बिचौलिए नेताओं को, जो लोग समाज को बेचने का काम करते हैं, उनको सामाजिक कल्याण का डिपार्टमेंट दिया जाता है, अल्पसंख्यक आयोग दिया जाता है, मंत्रालय दिया जाता है, उन लोगों को खाद फूड का मंत्रालय दिया जाता है, उन लोगों को अल्पसंख्यक या अति पिछड़ा, पिछड़ा, महा पिछड़ा, इनके मंत्रालय दिए जाते हैं। पर कभी भी इस समाज को, इस बहुजन समाज को, खासकर इस वर्ग ने जिसने इस मोदी सरकार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और सामाजिक न्याय को ठुकराते हुए मनवादी व्यवस्था में जाकर अपनी सहभागी दिखाई थी, तो साथियों उनसे सवाल पूछो कि उस सहभागी में आपकी भागीदारी कहाँ है। उन लोगों ने वही जो पोर्टफोलियो थे बड़े बड़े, जहाँ से देश की सत्ता की बागडोर हमेशा उनके हाथ में रही है, आगे भी रहेगी, आज भी रहे कर दिया आप लोगों ने, उनसे सवाल नहीं किया हम लोगों ने कि साथियों क्यों नहीं हमारे बहुजन समाज के लोग, क्यों नहीं पिछड़े समाज के लोग वित्त मंत्री बन रहे हैं, क्यों नहीं बहुजन समाज के लोग रक्षा मंत्री बन रहे हैं, अब क्यों नहीं देश में गृह मंत्री इस समय कोई दलित समाज से नहीं है, क्योंकि भागीदारी आपकी ज़्यादा है। तो सवाल भी आपको करना होगा, बशर्ते आपने बीजेपी चुनी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपनी हिस्सेदारी मांगने का हक तो होना चाहिए। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ जो इन बहुजनों ने उनको सरकार में अपनी हिस्सेदार वोट के माध्यम से उनको ताकत दी है, और ये कहकर कि सबका विकास, ये सबका नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मनवादी और पूंजीवादी व्यवस्था का विकास है जो आप और हम जैसे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। कब तक इस गुलामियत को सहते रहेंगे? तमाम महापुरुषों का इतिहास है, वो सब आपने दरकिनार कर दिया, उनके इतने जो उनका युद्ध था, जो उनका संघर्ष था, उनको आप लोगों ने कमज़ोर कर दिया। सैनी समाज के ज्योतिबा फूले, माँ सावित्री फूले, उनकी पत्नी, उनका संघर्ष राज समाज को शिक्षित और शिक्षा की तरफ ले जाने में, स्वास्थ्य समाज बनाने में, साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, ललई यादव, डॉक्टर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने सबसे निचले पायदान पर रहकर ऊपर तक आने में अपने पूरे जीवन की शैली लगा दी, और उसके बाद जब अपने आप को मजबूत कर लिया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, तो उन्होंने बाकायदा इस समाज को गर्भ से निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली आपको राइट दिए। सब भूल गए हम लोग। वोट की महत्वता का जो चरचित्र और जो लेखन है हमारे संविधान में, उसकी मूल भावना तक हम लोग भूल गए। अंधभक्त होने वाले समाज में इस देश का बेड़ा गर्क होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज देश लगभग 45-46 साल के जो रोजगारी जो गर्द है, उससे भी नीचे जा चुका है। GDP लगभग 6% के आसपास आ गई है, पर हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग उन लोगों के अभी भी भक्त बने हैं जिन लोगों ने आपको, आपके परिवार को, आपके पूर्वजों को गुलाम बना के रखा था। आर्टिकल पे आर्टिकल आप पढ़ेंगे नहीं, संविधान का आर्टिकल 15 आपको आपके वोट का अधिकार देता है, संविधान का आर्टिकल 13 आपको मूल अधिकारों की बात करता है राज्यों की सरकारों की, हम सभी बातों को दरकिनार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है आप सभी से कि जो लोग मोदी सरकार की सहभागिता दिखा रहे थे, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस पिछड़े समाज को, दलित समाज को उस मंत्रिमंडल में शीर्ष नेतृत्व दिया गया? नहीं दिया गया, क्योंकि आपने आवाज़ अभी भी नहीं उठाई। पूछिए
क्या इस देश का एक गडरिया, क्या इस देश का एक यादव, क्या इस देश का एक बातम या निषाद रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री नहीं हो सकता था? या उन्हीं ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को आप वो बड़े पोर्टफोलियो दे दोगे जहां से सत्ता की बागडोर रहती है, आपके हाथ से झुंझुना रहेगा पिछड़ा आयोग का, दलित आयोग का और समाज सुधार आयोग का। संविधान की बात करते, संविधान की मूल भावना की बात करते, कसम खाते संविधान की, पर संविधान का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं आया होगा जो शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया। और बहुजन समाज जो आज लड्डू बांट रहा था अपनी हार पर, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली राजनीतिक दल हार गए इसलिए वो खुश थे। अरे गुलामों, अगर जीना है तो सम्मान के साथ जियो। ये वोट का अधिकार कोई किसी भीख में नहीं मिला था, ये अधिकार तुमको राजा बनने के लिए दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर, और ये अधिकार आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं, ये अधिकार आपको राजा बनने के लिए, देश का शासक बनने के लिए, देश का सेवक बनने के लिए दिया था। तो दोस्तों ये बहुत गंभीर मसला है कि जो लोग अभी भी सोए हुए हैं उनको जगाना जरूरी है, उनको जगना भी जरूरी है। सिर्फ किताबें पढ़ने से आप शिक्षित नहीं होते, शिक्षित तब होते हैं जब समाज को आप जागरूक करते हैं उस शिक्षा के माध्यम से, उस शिक्षा से तब आप शिक्षित होते हैं जब समाज में दबे कुचले की आवाज़ को आप बड़ी ताकत के साथ उठाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम सभी को सरकारों से पूछना चाहिए कहाँ है आपका सबका साथ सबका विकास और विश्वास। आपने विश्वासघात किया, विकास का नाम का कोई प्रोपगंडा है नहीं। और जो राज्य सरकारों की बात करूँ तो योगी सरकार ने जिस तरह से आप सभी को पता है अलग अलग जातियों के आयोग बनाना शुरू कर दिया है, इसमें मंथन हो जाना चाहिए। जो बुद्धिजीवी लोग हैं इसमें विवेचना करें, सवाल करें। साथियों अपनी जगह जरूर देखें, अपना संविधान में अधिकार जरूर लें। जय भीम, नवोबुद्धाय। साथियों नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।